वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रतिका गुप्ता एंड गाइस टॉपिक फॉर टुडे इज सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 व्हिच टॉक्स अबाउट पनिशमेंट ऑफ बाइगमी। सो गाइस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ एंड यस इफ यू एंजॉय लर्निंग विद मी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच प्लीज लाइक ऑल माय वीडियोस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन 17। सेक्शन 17 सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात करता है गाइस कि अगर किसी इंसान ने बाइगमी कमिट करी इट मींस सेकंड मैरिज को सोलेमनाइज किया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज और हर फॉर्मर स्पाउस। जब तक वो जिंदा है तब तक आप सेकंड मैरिज को सोलेमनाइज नहीं कर सकते। और अगर कोई इंसान करेगा 18th of May 1955 के बाद से वो इंसान गिल्टी है ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी व्हिच इज पनिशेबल नॉट ओनली अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट बट अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ इंडियन पीनल कोड ऑल्सो। सो ये एक बेसिक सा क्रक्स है सेक्शन 17 का। आपको मैं ये बता देती हूँ कि सेक्शन 17 बोलता क्या, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सेक्शन 17 सेज दैट एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट यानी कि आफ्टर 18th of May 1955 शैल बी वॉइड इफ At the date of marriage, either party has a spouse living, husband or wife living, and the provisions of section 494 and 495 of IPC, Indian Penal Code, shall apply accordingly. So, ये लिखा है हमारे section 17 में। अब guys, इसमें कुछ important points इनको समझना ज़रूरी है, वो ये है कि सबसे पहले guys, for a person to be held guilty of an offence of bigamy, मैंने आपको section number 5 clause 1, जब हमने monogamy के concept को discuss किया था, अंडर कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज आई हैव टोल्ड यू कि एक इंसान को फॉर यू नो टू मेक दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी ये जरूरी है कि उसके दोनों मैरिजेस वैलिड इनफ मैरिजेस होनी चाहिए। आई होप दिस कॉन्सेप्ट माइट नॉट बी न्यू टू यू। इसमें क्या होता है कि बाइगमी के लिए एक इंसान को कॉन्विक्ट करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसकी दोनों मैरिजेस मस्ट बी वैलिड इनफ मैरिजेस। वैलिड मीन्स रिकग्नाइज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ अगर उसको रिकग्नाइज करता है लॉ के नजरिए में इन द आइज ऑफ लॉ अगर वो वैलिड मैरिज है तभी वो बाइगमी होगी ना तभी वो सेकेंड मैरिज होगी। इट मीन्स हिज फर्स्ट मैरिज नीदर हिज फर्स्ट और सेकेंड मैरिज बी नल एंड वॉइड। अगर इनमें से कोई भी एक मैरिज नल एंड वॉइड होगी तो लॉ के नजरिए में तो वो एक ही शादी है तो वो इंसान गिल्टी नहीं होगा ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी। इट मीन्स गाइस अगर आपकी पहली हिंदू मैरिज फॉर एनी रीज़न वैलिड नहीं थी और एक इंसान ने दूसरी शादी कर ली तो आपने दूसरी शादी कर ली है लेकिन लॉ के नज़रिए में वो पहली ही शादी है क्योंकि फर्स्ट मैरिज लॉ के नज़रिए में कोई मैरिज नहीं थी। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है आपने स्पिंडा रिलेशनशिप में कर ली विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कर ली ठीक है तो कोई भी रीज़न हो सकता है या फिर आपने वैलिड यू नो रिक्विजिट राइट्स एंड सेरेमनीज को परफॉर्म ही नहीं किया यानी कि सेक्शन 7 के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया या फिर आपने शादी कर ली किसी नॉन हिंदू से तो हर एक केस में आपकी मैरिज क्या होगी वॉइड मैरिज। और अगर आप सेकेंड मैरिज करते हो किसी और हिंदू के साथ तो वो क्या होगी प्रोवाइडेड सारी कंडीशंस फुलफिल है तो वो लॉ के नज़रिए में पहली शादी होगी। सिमिलरली गाइस नॉट ओनली दिस फर्स्ट मैरिज हैज़ टू बी वैलिड सेकेंड मैरिज शुड ऑल्सो बी वैलिड वो भी नल एंड वॉइड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप परफेक्टली यू नो एक वैलिड परफेक्टली मैरिड पर्सन हो आपकी परफेक्ट वेडलॉक है हिंदू मैरिज आपके अकॉर्डिंग आपने सेकेंड मैरिज को सोलेमनाइज किया लेकिन गाइस रिक्विजिट राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करी या तो सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई यानी कि सेरेमनीज ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज आर नॉट परफॉर्म्ड या फिर सेक्शन 5 की कुछ रिक्वायरमेंट्स के आप अगेंस्ट गए हो यू हैव गॉन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द क्लॉजेज अंडर सेक्शन नंबर 5 तो वहाँ पे क्या होगा आपकी मैरिज क्या है वैलिड नहीं है तो मेयर एडमिशन ऑफ द पार्टीज टू अ मैरिज इज नो मैरिज एट ऑल। अगर पार्टीज ने कहा कि हम शादी करते फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हस्बैंड उसकी एक परफेक्टली वैलिड मैरिज ऑलरेडी है विद अ गर्ल नेम्ड ए लेकिन अब उस इंसान ने क्या किया सी से शादी करने का सोचा बोथ यू नो बोथ दिस बॉय एंड यू नो द गर्ल नेम्ड सी दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड उन्होंने सोचा दे हैव मेरली एडमिटेड देमसेल्स कि हम एक शादी करेंगे लेकिन गाइस मेयर एडमिशन ऑफ द पार्टीज टू अ मैरिज इज नो वैलिड मैरिज वो कोई मैरिज नहीं होती फॉर अ पर्सन टू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी। सोलेमनाइजेशन ऑफ सेकेंड मैरिज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट टू अ वैलिड मैरिज। सो सोलेमनाइजेशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजिट राइट्स एंड सेरेमनीज सो दैट वो जो शादी है वो वैलिड इनफ मैरिज हो विच इज रिकग्नाइज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ लॉ के नजरिए में वो शादी होनी चाहिए तो वो दोनों मैरिजेस होनी चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ दीज मैरिजेस मस्ट बी परफॉर्म्ड विद रिक्विजिट राइट्स एंड सेरेमनीज इन द नटशेल दोनों वैलिड इनफ मैरिजेस होनी चाहिए फॉर नो रीजन वो वॉइड नहीं होनी चाहिए। इफ ईदर ऑफ देम इज वॉइड दैट मैरिज इज नो मैरिज एट ऑल तो लॉ के नजरिए में आपकी वो पहली ही शादी हुई।
So that person will not be convicted of an offence of bigamy either under section 17 Hindu Marriage Act or 494-495 IPC Indian Penal Code. उसके बाद गाइस ये शादी दो हिंदूज के बीच में होनी चाहिए. मैरिज मस्ट बी सॉल्मनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज. आई हैव टोल्ड यू अगर आप नॉन हिंदू के साथ शादी करते हो तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं कर सकते हो. सो वो एक वॉइड मैरिज होगी. इट विल बी इनफैक्ट वॉइड एब इनिशियो, नो मैरिज एट ऑल इन द आईज ऑफ लॉ. उसके बाद गाइज एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका सेक्शन 17 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है. इसका मतलब क्या है कि जो शादी 18th of May 1955 के बाद से होगी उन्हीं मैरिजेस पे ये एप्लीकेबल होगा. क्योंकि गाइज आई हैव टोल्ड यू कि बिफोर यू नो द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो अलाउ करता था, जहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते थे पॉलीगमी एंड पॉलीएंड्री बाय कस्टम. इट मीन्स 18th of May 1955 से पहले बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स थे जिनकी बहुत सारी सेवरल वाइफ्स थी एट अ टाइम, या फिर बाय कस्टम पॉलीएंड्री भी प्रैक्टिस होती थी, वन यू नो वाइफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट अ टाइम. तो हर एक उस इंसान को पनिशमेंट नहीं मिलेगी जिन्होंने 18th of May 1955 से पहले अपने हिंदू मैरिजेस को वैलिडली सोलमनाइज किया है. ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल है जिनकी मैरिजेस आफ्टर 18th of May 1955 हुई हैं. इट मींस मैरिज वाज सोलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उन्हें पे एप्लीकेबल होगा. बिकॉज गाइस आई हैव टोल्ड यू कि 18th of May 1955 के बाद से देर इज स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ मोनोगमी हियर इन इंडिया. अब बाइगमी इज यू नो कन्विक्टेड, इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड एंड हिंदू मैरिज एक्ट ऑल्सो. आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि दो हिंदूज के बीच में होगी वैलिड मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज. फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों मैरिजेस मस्ट बी वैलिड इनफ मैरिजेस फॉर अ पर्सन टू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी. और ये उन्हीं पे एप्लीकेबल है जिनकी शादियाँ 18th of May 1955 के बाद से हुई हैं देयर आफ्टर. इसका रीज़न है आई होप आई हैव टोल्ड यू. अब अगर कोई भी इंसान 18th of May 1955 के बाद सेकेंड मैरिज सोलमनाइज करेगा, वैलिड मैरिज सोलमनाइज करेगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज और हर स्पाउस, दैट पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी. वही इंसान गिल्टी होगा और उसी को पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी. आई होप गाइस आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं. तो वो शादी क्या होगी, वॉइड एब इनिशियो, इट विल बी इनफैक्ट नो मैरिज एट ऑल. तो वो सेकेंड मैरिज आपकी वॉइड हो जाएगी. उसको वैलिड होना ज़रूरी है, वो वैलिड होगी तभी वो बाइगमी होगी और बाइगमी के तहत उसको वैलिड वॉइड कर दिया जाएगा. आई होप गाइज ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ. सो आई विल बी रिपीटिंग इट ऑल ओवर अगेन. एनी मैरिज सोलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट आफ्टर 18th of May 1955 इज वॉइड if at the date of marriage either party has a spouse living, husband or wife living, and the provisions of section 494 and 495 shall apply accordingly. I hope guys section 17 is quite clear to you. Iske basic points aapko clear ho chuke hain. So guys, I'll be coming up with more sections of Hindu Marriage Act. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.